हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, गोल्ड फिश, द गोल और द ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फिश ऑफ गुजरात। तो इसको गुजरात का स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या है, चलिए देखते हैं। अ डिसीजन वॉज अनाउंस्ड एट अ कॉन्फ्रेंस इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया। अ ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और अ गोल्ड फिश कंसिडर्ड अ फिशर्समैन लॉटरी वॉज डिक्लेयर्ड गुजरात स्टेट फिश ट्यूजडे। तो ये इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर को और गोल्ड फिश को, वाई वॉज द गोल्ड चोजन। पहले एक बार देख लेते हैं यार, ये गोल्ड फिश है क्या, कैसा दिखता है, एक बार देख लेते ताकि हमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। गोल्ड फिश कैसा दिखता है, इमेजेस आओ सामने आओ। ओके, ये है गुजरात की राज्य मछली। आप देखिए, यही है गोल्ड फिश आपकी। इसको गुजरात के स्टेट फिश दिया गया है। तो चलिए, द गुजरात गवर्नमेंट चोज द गोल प्रोटोनिबिया डायकैंथस। इसका नाम प्रोटोनिबिया डायकैंथस बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड इट्स यूनिकनेस। क्या है यूनिकनेस? द फिश इज यूजुअली फाउंड इन द रीजन दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू पैसिफिक ओशन। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं हम लोग, पर्शियन गल्फ से पैसिफिक ओशन कहाँ पर है आपका। चलिए देखते हैं, पर्शियन गल्फ किधर गया, सामने आओ मैप, जल्दी आओ। चलो आ गया, पर्शियन गल्फ ये रहा आपका, गुजरात ये रहा आपका, ठीक है। कहाँ की बात हो रही थी, देखिए, पर्शियन गल्फ टू द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन सामने आओ। तो ये रहा पैसिफिक ओशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फिश जो है इसका एक्सटेंट है। हम लोग देखिए, इस फिश का जो एक्सटेंट है, ये पर्शियन गल्फ से पैसिफिक ओशन, यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंट है। क्या नाम है इसका? गोल्ड फिश। कहाँ की? गुजरात की स्टेट फिश बन चुकी है। चलिए देखते हैं, द डिक्लेरेशन विल इनेबल गुजरात टू बी पार्ट ऑफ इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, वेल डिसाइडिंग द स्टेट फिश द फर्स्ट थिंग दैट केम टू आवर माइंड वॉज द यूनिकनेस ऑफ द फिश स्पीसीज। तो यूनिकनेस क्या है? द फिश इज नॉट इजली अवेलेबल, द सेकेंड फैक्टर वॉज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फिश, एंड द थर्ड वी नीड टू कंजर्व इट। ठीक है, नितिन सांगवान, कमिश्नर ऑफ फिशरीज, इन्होंने ये चीज बोला है। इन द फ्रे कौन कौन सी अलग स्पीसीज लिस्ट में थी? सेलेक्टिंग स्टेट फिश इज अ कंसल्टेटिव प्रोसेस विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। रिबॉन फिश, पॉम्फ्रेट एंड बॉम्बे डक वर द अदर स्पीसीज दैट वर कंसिडर्ड फॉर डेजिग्नेशन एज अ स्टेट फिश। तो ये सारी अलग अलग फिशेज थी। वॉट इज द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिश स्पीसीज? तो ये जो ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर है आपका, गोल्ड फिश हो गया, और इसका एक और नाम प्रोटोनिबिया डिकेंटस, ये है क्या है? बीइंग एक्सपेंसिव फिश द लोकल कंजम्पशन ऑफ दिस वेराइटी इज नॉट वाइडली हर्ड ऑफ सेड एक्सपर्ट, बट द फिश हैज ह्यूज मार्केट इन चाइना एंड अदर कंट्रीज। द फिश इज एक्चुअली अ लॉटरी फॉर फिशरमैन हु मैनेज टू नेट इट। द फिश इज नॉट ओनली टेस्टी, इट इज कंसिडर्ड डेलिकेसी इन मेनी कंट्रीज। इन अदर वर्ड्स, इट इज यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस, वाइल द मीट ऑफ द फिश इज एक्सपोर्टेड एज अ फ्रोजन फिलेट्स और होल फिश टू यूरोपियन एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। इट्स एयर ब्लैडर विच इज कट ओपन फ्रॉम इट्स स्टमक एंड ड्राइड इज मेनली एक्सपोर्टेड टू चाइना, हांगकॉन्ग एंड अदर एशियन कंट्रीज वेयर इट इज इन हाई डिमांड फॉर इट्स मेडिसिनल वैल्यूज, सेड जिग्नेश विसावादिया। तो इस फिश का मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, आप देखिए, इसीलिए इसको स्टेट फिश बनाया गया है। अब ठीक है, अ किलोग्राम ऑफ गोल फिचेस, मतलब ये जो गोल फिश है, बिटवीन ₹5,000 to ₹15,000 इन गुजरात। तो 1 किलो ये फिश जो है, गोल फिश, आपकी गुजरात में 5,000 से 15,000 रुपए की मिलती है। हाउएवर, इट इज द ड्राइड एयर ब्लैडर ऑफ द फिश दैट इज द कॉस्ट टीलियस। तो मतलब इसमें सबसे महंगा इसका ड्राइड एयर ब्लैडर आता है। क्यों? एंड कैन फेच अमाउंट एज हाई एज ₹25,000 per kilogram। तो ये जिसका जो एयर ब्लैडर, अगर जो सूखा हुआ एयर ब्लैडर है, वो 25,000 किलोग्राम रुपए तक बिकता है इन एक्सपोर्ट मार्केट।
हु इज बेस्ड इन वेटरल, ठीक है इतना। अकॉर्डिंग टू इतना सिंगल फिश ऑफ द स्पीसीज कैन वेट एज मच एज 25 kg। पहली बात तो ये 1 किलो इतना महंगा जा रहा है, और इसकी जो एक सिंगल फिश है वो कम से कम 25 किलो तक की होगी। सिंगल फिश, आप देखो कितनी महंगी फिश है। हाउ मच फिश डज गुजरात एक्सपोर्ट, गुजरात कितना फिश एक्सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2021-22 अ टोटल फिश प्रोडक्शन ऑफ गुजरात वॉज एस्टिमेटेड एज अ 8.7 लाख टन वर्थ 11,000 करोड़। ऑफ दिस एंड 2.3 लाख टन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स वर वर्थ रुपीज 5,233 करोड़ वर एक्सपोर्टेड। मतलब आप इसमें पैसा देख के समझ पा रहे होगे क्यों इसको स्टेट फिश बनाया गया है, कि ये तो बड़ी महंगी फिश है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में गोल्ड फिश क्या है, ताकि एग्जाम में बस ये नोट्स देख ले। सबसे पहले गोल्ड फिश, ठीक है, इसका और क्या नाम है आप देखिए, इसका नाम है आपका प्रोटोनीबिया डायकेंथस, प्रोटो नी बिया डायकेंथस, ठीक है, ये हो गया गोल्ड फिश। इसके बाद से इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर भी है ये, ठीक है, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर क्या इसका है, इसको गुजरात का, गुजरात स्टेट फिश बनाया गया है, ठीक है। क्यों बनाया गया है, तीन कारण से। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड, कॉस्ट इसका बहुत हाई है। थर्ड, रेयर है। इसको क्या बोला जाता है, और फिशर्स फिशरमैन लॉटरी, अगर किसी की लग जाए, किसी फिशरमैन को ये मिल जाए तो उसकी तो लॉटरी लग गई, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका लोकल नेम है, ये गुजरात की स्टेट फिश है और रेयर है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके नॉर्मल क्या क्या हमने देखा है। अब आप देखिए रिबॉन फिश, पॉम्फ्रेट और बॉम्बे डक, ये तीन और स्पीसीज थी फ्रेम में, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव फिश है तो मैंने कॉस्ट बोल दिया, कॉस्ट इसका बहुत हाई है। वैरायटी नॉट हर्ड ऑफ, क्योंकि कॉस्ट हाई है तो ज़्यादा लोकल खा नहीं पाते हैं। काफ़ी रेयर है और ह्यूज मार्केट है इसका, कहाँ पर, फोर्थ ह्यूज एक्सपोर्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया। ये टेस्टी भी है और उसके बाद से इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, तो ये हमने देख लिया, मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्लस टेस्टी। अब टेस्टी होने से अकेले थोड़ी फिश को बना देंगे हम लोग स्टेट फिश। अब ये देख लिया हमने मेडिसिनल वैल्यूज, ठीक है, यूरोपियन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एक्सपोर्ट होती है ये कहाँ पे। अब आप देखिए ये फाइव, इसका एक्सपोर्ट कहाँ पर है, इसका एक्सपोर्ट आप देखिए यूरोप में है, चाइना में है, मिडिल ईस्ट एशिया में है, ये यहाँ सारी जगह एक्सपोर्ट होता है। अब आप देखिए इसके कितना कॉस्ट है, 5K to 15K, मतलब 15K रुपीज़ पर केजी है ये फिश। और इसका जो ड्राइड, आप देखिए ड्राइड एयर ब्लैडर है, ड्राइड एयर ब्लैडर है वो आपका 25K पर केजी, 25,000 रुपया। उसके बाद से ये जो वन फिश है इट कैन वेट अप टू 25 kg। तो यही था इसका, अच्छा खासा एक्सपोर्ट है ये, फिगर से हमने देख लिए, पर ये फिश के बारे में अपनी इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और तो कुछ नहीं छूट रहा है हमारा। वाइल द मीट ऑफ फिश एक्सपोर्टेड एज अ फ्रोजन फिलेट होल फिश, ठीक है, एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्टमक, कट ओपन फ्रॉम स्टमक एंड ड्राइड इज मेनली एक्सपोर्टेड टू चाइना। काट के जो ड्राई करो तो वो चाइना में जाएगा, नहीं तो आप। और लॉस ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड इट्स वीकनेस, तो ये वीकनेस हो गया, ठीक है, लॉस यूनिकनेस तो ये हो गया।
Officially found a region that stretches from Persian of Gulf to, यहाँ पे पर्शियन ऑफ गल्फ टू एटलांटिक, नहीं पैसिफिक, तो यहाँ पे ये फिश मिलती है आपकी। तो इतना ही था इस आर्टिकल में फिश के लिए। अगर हम लोग देखें, एक बार मैं और छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, यही था इसमें। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।